ग्राम पंचायत बगदरी के रोजगार सहायक द्वारा आवास के नाम पर 5,000 लिए जा रहे हैं। दरअसल ग्राम पंचायत बगदरी के जर्दा टोला में लगभग 50 घर आदिवासी बस्ती के हैं, जो अशिक्षित और निहायत गरीब हैं, जिसकी गरीबी का मजाक बनाते हुए रोजगार सहायक श्याम लाल प्रजापति द्वारा 5,000 लेने के बाद ही किस्त रिलीज की जाती है। रोजगार सहायक द्वारा आदिवासी भाइयों को धमकाया भी जाता है कि किसी से भी अगर शिकायत की तो ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी लाभ तुम्हें नहीं दिया जाएगा। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आवास योजना का धरातल पर कुछ रोजगार सहायकों द्वारा किस तरह कमाई का जरिया बना हुआ है, यह आप लाचार बेबस आदिवासी भाइयों की जुबानी सुन सकते हैं। इससे यह साबित होता है कि चितरंगी जनपद पंचायत के आला अधिकारियों की कमी के कारण कई पंचायतों में इसी तरह का खेल चल रहा है। मीडिया के माध्यम से जिला दंडाधिकारी का ध्यान आकर्षण करवाया जा रहा है। अभी हम ग्राम पंचायत बगदरी में हैं और यहाँ कुछ आदिवासी भाई हैं जर्दा टोला में, और इन लोगों का आरोप है ग्रामीणों का कि आदिवासी भाइयों का कि यहाँ के जो रोजगार सहायक हैं वो किसी से 5,000, किसी से 10,000, किसी से 8,000 आवास के नाम पे लेते हैं। आइए हम जानते हैं, क्या नाम है काका आपका? तो आवास के नाम पे आपसे भी पैसा लिया गया है? हाँ। कितना लिए हैं? 5,000। कौन लिया? श्याम लाल कुहार। अच्छा, वो रोजगार सहायक हैं? हाँ। दादी आपका आवास बना है ना? हाँ। तो आपसे भी पैसा लिए? लिया। कितना? 5,000। भैया आपसे भी पैसा लिए हैं? देखिए यहाँ ग्रामीण हैं और सब बता रहे हैं कि आवास के नाम पे यहाँ 5,000 गरीब अशिक्षित आदिवासी भाइयों से लिया जा रहा है, और देखिए ये रोजगार सहायक की मनमानी चल रही है यहाँ पे ग्राम पंचायत बगदरी में।